जय नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों, जो आज का वीडियो स्पेशली SSGD 2021 पे है, क्योंकि कई लोगों को ये बार बार मेरे को आता है कि सर इस बार एज क्या रहेगी, या मेरे को जन्म डेट भेजते हैं बार बार, तो इस बार मैं आपको जो नई अपडेट है इस बार की और क्या क्या रहने वाली है वो सभी बता देता हूँ, ताकि आप पहले से माइंडली तौर पर प्रिपेयर रहे, आपको परेशानी ना हो, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रही। मैं आपको इस बार इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा मेडिकल से लेकर फिजिकल और टोटल क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है और कहाँ कहाँ कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार, जो चेंज होने वाले हैं इसमें क्या क्या बातें इसमें चेंज होने वाली, चाहे वो पेपर पैटर्न हो या क्या इसके सिलेबस में ऐड होने वाला, वो आपको मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके, आपको मेरे से जुड़ने का फ़ायदा हो सके कि आपको किस चीज़ के लिए तैयारी करना। अगर आप अभी से तैयारी करोगे उस चीज़ के लिए तो आपको बेनिफिट रहेगा, चाहे वो फिजिकल मेडिकल या पेपर कुछ भी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर एज के क्राइटेरिया की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि उधर मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी, चाहे PDF हो या आने वाले समय में मैथ और रीजनिंग के वीडियो, उनकी PDF फाइल कुछ दिनों में शुरू होने वाली, जैसे में मेरे को टाइम मिल जाता 5-10 दिन के बाद में रेगुलर क्लास भी चलेगी इस चैनल पे, मैथ और रीजनिंग की और बाकी सब्जेक्ट की भी चल सकती है, लेकिन उसके साथ में आपको PDF देता रहूँगा मैं हर एक क्वेश्चन की, तो बहुत ही, तो इसलिए आप अगर नहीं जुड़े हो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि SSGD में इस बार जो एज क्राइटेरिया रह सकता है वो रख सकता है दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से आपकी एज काउंट हो सकती है, अगर एज रिलेशन नहीं दिया जाता तो। अगर एज में कुछ छूट दी जाती है तो 21-22 हो सकता है, लेकिन 90% चांस है कि एज में छूट देने के चांसेस बहुत ही कम है कि एज में छूट दी जाएगी। तो 1 अप्रैल 2021 से आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, तो इसलिए आप ये एग्ज़ाम फाइट कर। अब जिनकी 18 से कम है, तो वो दोस्त मेरे को बार बार बोलते हैं क्या सर हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ आप ज़रूर एग्ज़ाम दीजिए, आपको फ़ायदा होगा इसका, तो आपको अभी से तैयारी आप भी शुरू कर दे। अगर आपकी 2-3 महीने कम है तो हो सकता है कि अगर एज को कुछ आगे पीछे करने से आपको फ़ायदा हो सकता है, अगर आगे पीछे नहीं किया जाता है, आगे पीछे नहीं किया जाता है तो 1 अप्रैल 2021 से, अगर इसकी नोटिफिकेशन के अनुसार डेट रहने वाली तो 1 अप्रैल रहने वाला है 100%। 1 अप्रैल 2021 से आपकी डेट जो डेट ऑफ बर्थ है वो काउंट होगी, तो जिसकी 1 अप्रैल के बाद में 18 से 23 साल के बीच की जो एज हो रही है, तो वो बंदे अभी से तैयारी शुरू कर दें, उस एज क्राइटेरिया वाले बंदे एलिजिबल होंगे। तो अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आते हो तो तैयारी शुरू कर दें, अगर कोई 2-3 महीने छोटे हैं तो वो भी तैयारी शुरू कर दें। अगर मान लो कुछ ऐसा बोल प्रावधान आ सकता है कि आपको 17.5 वाला जैसे आर्मी में वैकेंसी दे सकता है, तो इसमें भी अगर कुछ ऐसा जाए तो आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आता तो भी आप अगर पेपर की तैयारी करें तो आपके लिए बढ़िया, क्योंकि आने वाले 2 महीने बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे हर एक वैकेंसी के लिए। तो हर एक डिपार्टमेंट की अलग से भी तो वैकेंसी आती है, जैसे CRPF में आने वाली है, BSF में आने वाली है, SCM की, CISF में SCM की वैकेंसी आने वाली है, तो उनके लिए तो कम से कम आप एलिजिबल हो जाओगे। तो इसके लिए दोस्तों आप चिंतित ना हो, इसलिए ये एज क्राइटेरिया वाले बंदे तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद में अगर बात करते हैं पेपर की, सबसे पहले पेपर होगा, तो पेपर की बात करते हैं। पेपर में दोस्तों सेम ही पैटर्न रहने वाला है, 25-25 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के, तो उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग अगर हो सकता है तो हो सकता है कि माइनस मार्किंग रहे या नेगेटिव मार्किंग रहे। तो दोस्तों अगर नेगेटिव मार्किंग रहती है तो 1/4 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग रहे। इसका रीज़न ये है क्योंकि SSGD की जो मेरिट बनती आ रही है वो इस हाई लेवल पर जा रही है मेरिट, इसलिए हो सकता है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग रहे। और आप सभी को पता है कि अभी के समय में प्रेजेंट टाइम में लगभग सभी एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है, इसलिए इस बार SSGD में भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें ऐड होने वाली है, कंप्यूटर ऐड होगा दोस्तों। मैथ का वही लेवल रहेगा, 10th क्लास की मैथ रहेगी, मैथ का लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस बार अगर कुछ ऐड होगा तो वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की आप अच्छे से तैयारी कर ले शुरू अपने सिलेबस में, साथ में ज़रूर कंप्यूटर को ऐड कर ले, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन इस बार आपके GK GS में जरूर आएंगे दोस्तों। मैथ रीजनिंग का पैटर्न वही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि 10th क्लास लेवल का जो मैथ आता है वही मैथ रहने वाला है, उसमें बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं होगा। तो उसके लिए आप जो पढ़ते आए हैं ओल्ड पेपर देखते रहिए, उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ओल्ड पेपरों के अनुसार रहेगा, उसमें कोई नई अपडेट नहीं जोड़ी जाएगी या कोई नई चीज़ें एडवांस मैथ का पार्ट नहीं जोड़ा जाएगा, सेम पार्ट रहेगा। इसके अलावा GK GS में मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ें जुड़ सकती है, जिन हिंदी में हिंदी ग्रामर का ही पार्ट ज़्यादा जुड़ने वाला है। उसके अलावा जैसे आपको वोकेबलिटी है हिंदी की, वो आप तैयारी कर रहे हो तो वो साथ में तैयारी कर दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला, वो सेम रहने वाला है। इसलिए उनकी जो चीज़ें सेम रहने वाली उनकी तैयारी कैसे करें, तो उनकी तैयारी के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ओल्ड पेपर उठाइए,
ओल्ड पेपर से तैयारी करिए, जितने भी ओल्ड पेपर है उनसे तैयारी करिए, ताकि उससे क्या होगा, जितने भी ओल्ड पेपर उनसे तैयारी करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट मारते भी, तो उनका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए ओल्ड पेपर की जो बुक आती है वो भी आप ले लीजिए साथ में, उससे तैयारी करिए ताकि आपको आइडिया रहे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर में ये चेंजिंग होने वाला है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और उसके साथ में कंप्यूटर एड होगा, ये तो 100% है। पेपर के बाद में अगर बात करें फिजिकल की, फिजिकल का क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट, लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग, ये फिक्स रहने वाला है। इसके अलावा आपका चेस्ट होगा, वेट होगा, इसके अलावा नहीं बीम पुशअप डिप्स ये चीज़ें नहीं जुड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग मेरे को बार बार बोलते हैं कि सर इस बार इसमें भी पुशअप ऐड की जाएगी क्या, पुशअप का टेस्ट होगा क्या, या बीम लगाई जाएगी या डिप्स का इस बार, क्योंकि कई लोगों आपने सुना होगा कहीं जगह कुछ चैनल वाले भी बताते रहते हैं बार बार, कुछ ये फेक न्यूज़ भी बांटते रहते हैं कि इस बार SSGD में ये भी होगा ये भी होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा, चेस्ट वेस्ट, तो इसलिए सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए पेपर पे, तभी तो आप फिजिकल में पहुंचोगे। तो फिजिकल में सेम क्राइटेरिया रहेगा, 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग और लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग। उसके बाद में चेस्ट वेट होगा, तो आप ओवरवेट अंडरवेट हो या आपको कुछ भी प्रॉब्लम है फिजिकल में, तो उसका समाधान बाद में हो जाएगा, कब, आपके एग्ज़ाम देने के बाद में। इसकी एग्ज़ाम जो डेट है वो आपको पता, अगस्त में एग्ज़ाम होने फाइनल है, यानी अगस्त के महीने में, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये पक्का है कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट रहती है वो ज़्यादातर पोस्टपोन नहीं होती, अगर कोई कारण हो जाए तो ही पोस्टपोन होती है, नहीं तो पोस्टपोन नहीं होती। इसीलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसलिए यानी आज से शुरुआत कर दीजिए, अभी से नहीं आज से कर दीजिए शुरुआत, ताकि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो, ठीक है। ये चीज़ें लेके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, और मेडिक जो फिजिकल है उसमें और अलग से कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की गई है, तो इसके लिए आप चिंतित ना हो। अब बात करते हैं मेडिकल की, मैं शुरुआत से बताता आ रहा हूँ आप सभी को इस चैनल पे, कई लोगों को नहीं पता है, वो भ्रमित करते रहते हैं बाहर, आपने कई बार देखा होगा चैनलों में कि वो बोलते रहते हैं मेडिकल में ये होता है वो होता है। मैं आपको बता दिया, आर्मी के मेडिकल और SSGD के मेडिकल में रात और दिन का फ़र्क होता है, मतलब रात और दिन का, यानी आर्मी का मेडिकल में फेल हुआ बंदा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSGD के मेडिकल में पास होता है हर बार। सभी बीमारियों में तो मैं नहीं बोलता कि सभी बीमारियों, लेकिन हाँ जैसे नोकनी हो गई, ये फिंगर कट हो गए, या कहीं आपके निशान हैं, या जैसे वो बड़े बड़े निशान होते हैं, या आपके छोटे मोटा हाथ में बैंड होता है, या ऐसे कंधे में बैंड होता है, तो वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा या SSGD के द्वारा उन चीज़ों में कुछ छूट दी जाती है। तो दोस्तों इसलिए आप मेडिकल के लिए अगर कोई चिंतित है, अगर आईज़ की प्रॉब्लम, अगर आपको कलर विजन है तो बात अलग है, बाकी आपको आईज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। इसलिए जितने भी मेरे दोस्त छोटे भाई या जो अब तक तैयारी नहीं कर रहे थे SSGD, तो आप तैयारी कर दीजिए, आर्मी के मेडिकल से आप इसको कंपेयर ना करें, इसका मेडिकल और आर्मी के मेडिकल में रात और दिन का फ़र्क है, ठीक है। मेडिकल पूरा होगा, इसमें भी सब टोटल चीज़ें चेक होती है, लेकिन रात और दिन का फ़र्क है। वो आप जब मेडिकल कराने जाओगे उससे पहले मैं वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार से मेडिकल होता है 100%, उससे अगर कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा हो जाए तो आप मेरे को बता देना, और जिनको मैं बताऊंगा कि ये बंदे मेडिकल पास होंगे वो 100% पास होंगे, ये मेरी गारंटी लिख के दे दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा जिस जिस चीज़ में आर्मी में फेल होते हैं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSGD में पास होते हैं, वो पूरे के पूरे पॉइंट बताऊंगा, 100% उनमें पास होते हैं, ये 100% मैं आपको बताऊंगा, और आप जब मेडिकल होगा तो आप जाके देख भी लेना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और तैयारी शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।